जैन फौज में स्थायी जॉब, सेना में 3 साल के लिए भर्ती होंगे युवा, नौकरी के बाद उन सेंटर में जा सकेंगे, तीनों सेनाओं में। तो दोस्तों तीनों सेनाओं के लिए अस्थाई जॉब, सेना में 3 साल के लिए नौकरी कर सकेंगे। तो दोस्तों कहीं अभी रेली रेली भर्ती स्टार्ट हुई नहीं, एक ये न्यू खबर और आ गई। तो दोस्तों मैं आपको यूं ही नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको पेपर में ही बता रहा हूँ। सभ्यता सैनिक का अग्निपथ, भैया 2 साल से भर्ती नहीं हुई, सवा लाख पद खाली हैं। फायदा, रिटायरमेंट लाभ, पेंशन खर्चे बच जाएंगे, मौका बेहतर, प्रदर्शन नौकरी स्थायी हो जाएगी। तो सेना भर्ती होने की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर, सरकार अग्निपथ भर्ती प्रवेश योजना लागू करने जा रही है। इसके तहत तीनों सेनाओं में युवाओं को 3 साल के लिए सैनिक के रूप में भर्ती किया जाएगा। इन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। इससे सशस्त्र बलों की औसत उम्र में कमी आएगी, साथ ही रिटायरमेंट और पेंशन में सरकार का बोझ नहीं पड़ेगा। युवाओं के लिए सुनहरा मौका है, इसलिए क्योंकि रक्षा, मैं यूँ ही नहीं बता रहा हूँ, ये पेपर में है वो आपको बता रहा हूँ, रक्षा बलों के पास यहाँ विकल्प भी रहेगा कि कुछ अग्निवीरों को स्थायी सेवा में शामिल कर सकेंगे। थल सेना, वायुसेना, नौसेना में सरकार के अलावा अफसरों को इस बारे में सुस्तियाँ दी हैं, यह योजना का समर्थन किया है। वहीं अग्निवीर पद के कमांड सेंटर में भी नौकरी कर सकेंगे प्राइवेट सेक्टर में। सख्त ट्रेनिंग के बाद कश्मीर और पूर्व लद्दाख में तैनात किए जाएंगे। IIET प्रमोशन के लिए भी मौका, कहाँ तैनात होंगे, क्या करेंगे, कड़ी ट्रेनिंग के बाद इन्हें जम्मू कश्मीर और पूर्व उत्तर में तैनात किया जाएगा। आतंकी गतिविधियों से निपटने खुफिया जानकारी जुटाने में सूचना टेलीग्राम जैसे काम में करेंगे, इन्हें मौका दिया जाएगा। तो ये तो आपने पेपर में पढ़ लिया होगा, पता भी चल गया होगा। फिर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ।